सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूबर शिवा, मैं हूँ शिवा दुबे और आज भाई अपने सेटअप टूर का आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अभी तक मैंने आपको अपना सेटअप टूर नहीं दिखाया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था भाई कि अपना सेटअप टूर एक बार प्रॉपर कम्प्लीट दिखा दो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको मैं यही सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं दिखाता हूँ आपको अपना रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा मेन डोर। तो ये जो रूम हमारा मतलब कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये तो हमारा भाई YouTube गेमिंग और स्ट्रीमिंग रूम है और जो ये वाला हाफ है वो आया था भाई हमारा बेडरूम। तो अपना जब भी काम जो भी करना है किया उसके बाद आकर भाई हम चिल मारते हैं, सो जाते हैं और ऊपर हमारा भाई एसी है जिसकी वजह से भाई हमारा जो रूम है वो ठंडा रहता है। तो ये है हमारा हाफ और ये है हमारा भाई हाफ जो कि हमारा गेमिंग स्ट्रीमिंग रूम है। तो यहाँ पर गाइस ये हमारा मेनली बीस्ट पीसी जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले लिया है, कुछ दिन मतलब साल के आसपास तो हो चुका है। तो ये है भाई, इससे अब जो जितनी भी एडिटिंग वगैरह होती है अब सारी मैं इसके थ्रू करता हूँ। तो ये तो भाई अभी की बात है, बट इसके पहले भाई हमारी जो सारी एडिटिंग होती थी, मेरा मेन जो यूट्यूबर शिवा चैनल है वो हमारे इस लैपटॉप के बदौलत चला है। तो ये भाई काफ़ी सारे लोगों को शायद पता होगा, मैंने बहुत पहले 3 से 4 साल पहले ख़रीदा था, शायद 2018-19 में ख़रीदा था और एसर का एस्पायर i3 प्रोसेसर वाला भाई लैपटॉप है। बट इसने भाई हमारा इतना साथ दिया कि पूछो मत, मतलब सारी जो मेरी एडिटिंग होती थी और जितना भी कुछ मैं करता था अपने बैकग्राउंड रिमूव करता था ग्रीन स्क्रीन से वीडियो एडिटिंग वगैरह में, सब इसके थ्रू होता था। तो भाई इसने बहुत हेल्प किया और इसकी मदद से ही भाई ये जो पूरा का पूरा ये वाला सेटअप है वो हमारा तैयार हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हो ये हमारे भाई गेमिंग हेडफोन्स हैं HyperX Cloud 2। इन सभी चीज़ों का गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सकता है मैं कुछ शायद बताना भूल भी जाऊँ, तो अगर आप लेना चाहते हो या इसके बारे में देखना चाहते हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारे हेडफोन्स, ये मेरी मैं एडिटिंग के टाइम यूज़ करता हूँ जब मैं नॉर्मल एडिटिंग करता हूँ, और अभी तो मैं भाई पूरा मतलब पूरी तरह से इसको यूज़ करने लगा हूँ ये वाले हेडफोन्स को ही। पहले मैं उनको यूज़ किया करता था जब मैं अपने लैपटॉप से एडिटिंग किया करता था। उसके अलावा यहाँ पर हमारा वेबकैम, तो मेनली ये जो चीज़ें हैं ये वाला पीसी है तो गेमिंग पीसी है, तो इस पर ज़्यादातर मेरा जो काम होता है वो मेनली गेमिंग खेलना होता है और जो गेमिंग की वीडियोज़ हैं उनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो वेबकैम वगैरह है। और जो मेनली मैं नॉर्मल वीडियोज़ बनाता हूँ तो वो तो भाई मैं अपने आईफोन 13 से ही बनाता हूँ जिससे अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके अलावा गाइज मेरे पास ये वाला फ़ोन भी है जो कि है OnePlus 7 Pro। तो ये वाला भाई वो फ़ोन है जो कि मतलब कि एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट था उस टाइम पर जिस टाइम मैंने इसको लिया। तो इसकी जो कॉस्ट थी भाई 50,000 के आसपास थी, 53,000। तो ये वाला भाई बहुत ज़्यादा हेल्प की इसने मेरे को, बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी मेरे जो थंबनेल्स वगैरह आप देखते हो वो कई बार मैं इसी से बनाता हूँ, ज़्यादातर इसी से बनाता हूँ, तो बहुत हेल्प करता है अभी भी ये मेरा डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा ये गाइज मोनीटर है मेरा LG का, ये है 144Hz वाला मोनीटर IPS और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा ये है भाई मेरा गेमिंग कंट्रोलर, ये भी मैंने न्यू ही लिया है तो अभी मैंने कुछ गेम्स ही खेली हैं इससे, तो ये सब गेमिंग में भी काम आता है। उसके अलावा ये भाई हमारा सबसे तगड़े वाला ब्लू यति, आपने सबसे ज़्यादा लोगों के पास ये वाला देखा होगा और सच में भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट इसकी भाई थोड़ी सेटिंग्स होती हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए, तो मेरे को भी पता होने में थोड़ा टाइम लगा बट गाइज फाइनली मेरे को पता चल गया। उसके अलावा ये भाई हमारी गेमिंग चेयर, तो इसके बिना तो भाई आप भूल जाओ कि आप आधा घंटे से भी ज़्यादा सिटिंग कर पाओगे और अपनी YouTube की वीडियो है कोई भी एडिटिंग कर पाओगे, क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नियर अबाउट मान के चलो कि 2 से 2.5 घंटे तो नॉर्मल लग ही जाते हैं अगर आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग करोगे, तो जरूरी है भाई ये वाली गेमिंग चेयर भी। उसके अलावा ये आप देख सकते हो रिंग लाइट, इसका भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो भी मैं पीसी से वीडियो स्पेशली बनाता हूँ। ये भाई सीधा अपने रिमोट कंट्रोल से है, सारा रिमोट से ही होता है, चाहे मेरे को चाहे इसे कलर चेंज करने हो, चाहे मेरे को बंद करनी हो, चाहे इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी हो, सारा काम अपना इस रिमोट से हो जाता है, तो रिमोट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा ये देखोगे भाई तो ये मेरा भाई सबसे पहला जो मैंने लिया था वो है ये ट्राईपोड और एक लिया था मैंने बोया माइक, तो ये दो चीज़ें मैंने ली थी जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी और जब मैंने YouTube से कोई अर्निंग नहीं की थी तब ली थी। तो इन दोनों की मदद के बाद ये सारा आप सेटअप देख रहे हो, फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया था और फिर मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। उसके अलावा ये जेब्रोनिस का कीबोर्ड है, ये वाला भाई मैंने कॉम्बो लिया था जेब्रोनिस का कीबोर्ड और माउस का, तो ये तो अभी भाई चलता जा रहा है, जो माउस था इसका वो ख़राब हो गया था तो मैंने भाई ये रेजर वाइपर 8K Hz माउस लिया, ये स्पेशल गेमिंग माउस है, इसकी कॉस्ट भाई 7,000 के आसपास है, तो आप सोच सकते हो कि किस क्वालिटी का माउस होगा ये, तो रेजर कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है। और ये भाई रेड गियर का माउस पैड है,
ये भी काफ़ी बढ़िया है मेरे को, मतलब कि जो पूरा माउस होता है उसको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके अलावा आप देखोगे भाई हमारे सिल्वर प्ले बटन, तो इनको तो भाई मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। तो ये हमारे पास दो दो हैं, एक है हमारे पास भाई फनी गेमर का और एक है हमारे पास भाई यूट्यूबर शिवा का। तो ये दोनों के दोनों हमारे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्रेम में देखने को मिलेंगे आपको, मतलब लुक इनकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा भाई मज़ा देती है। उसके अलावा देखोगे भाई तो जो ज़्यादातर आप मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वाला भाई इसमें मेरा लगता है हमारा जो मोबाइल होता है इसमें लगाता हूँ मैं, और ये आप देखते होगे ये भी रखा होता है एक साइड में, तो बहुत ही बढ़िया इसका, ये फेक प्लास्टिक प्लांट है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा होता है। उसके अलावा ये भाई हमारा वायरलेस कंट्रोलर उसका बॉक्स पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने मंगाया था, और भाई ये है हमारा एल्गाटो HD60S। तो ये जब मेरे को स्ट्रीमिंग करनी होती है तब मेरे को इसका फ़ायदा मिलता है, तो मेरे को जब भी अपना मोबाइल है चाहे आईफोन हो चाहे हमारा एंड्रॉयड हो तो इसके थ्रू मैं अपनी भाई जो स्क्रीन होती है वो शेयर करता हूँ अपने पीसी से, पीसी में रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और फिर अपने यूट्यूब पर डाल देता हूँ। ये रही भाई ये सारी चीज़ें। उसके अलावा भाई ये है हमारा फुट रेस्ट, तो ये भाई तब यूज़ होता है जब मेरे को ज़्यादा काम करना होता है और मैं थक ना जाऊँ, तो इसके ऊपर ही भाई मैं आराम से अपने पैर रख लेता हूँ, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता काम। उसके बाद मैं अंदर चला जाता हूँ और अपना जो भी एडिटिंग वगैरह होती है वो कर लेता हूँ, भाई थकता नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं इस तरह अपना स्पेंड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा फुल डे ही अब यूट्यूब और गेमिंग करनी होती है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। गेमिंग टेबल भाई ये बहुत ज़्यादा मेरा सबसे मतलब जो मेन चीज़ है वो भाई हमारा गेमिंग टेबल है। इसको आप देखोगे तो भाई मतलब बहुत ही तगड़ी वाली लुक आती है इसकी, लुक तो तगड़ी है ही है, मेरा काम भी भाई बहुत ज़्यादा करता है। और इनमें क्या क्या कुछ है तो ऊपर के जो दो दो बॉक्स हैं भाई ये तो मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, जो नीचे वाले हैं ये दिखाता हूँ। तो ये आप देखोगे भाई इसमें मेरे बहुत सी केबल्स होती हैं, मेरे चार्जर होते हैं जो मेरे मोबाइल वगैरह के और जो भी मैं चीज़ें खरीदता हूँ तो उनके भाई यहाँ पर बॉक्सेस पड़े होते हैं, ये आईफोन 13 का, नोट 10 प्रो और भी भाई नोट 10 वगैरह और भी थे, ये हमारे एल्गाटो का भाई और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे आईफोन 13 का चार्जर, वन प्लस का चार्जर और भी बहुत सी केबल्स होती हैं, तो वो सारी इसमें रहती हैं। और नीचे वाले में भाई इसमें मैं अपना लैपटॉप रख रखता हूँ, ये जो लैपटॉप है ज़्यादातर मेरे अंदर रखता है क्योंकि अब मेरे को इससे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, जस्ट मैं जब स्ट्रीमिंग वगैरह करता हूँ तो एज ए मैं सेकंड डिस्प्ले इसको यूज़ करता हूँ। तो ये तो भाई सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा भाई इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँ कि इसमें भाई लगा क्या क्या हुआ है, तो इसमें गाइस लगा हुआ है AMD का Ryzen 7 3800X प्रोसेसर जो कि सबसे तगड़ा प्रोसेसर है इस बजट में, मतलब जिस बजट में मैंने इसको बनवाया भाई लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का प्रोसेसर है, बट मेरा भाई जितना भी सारा काम होता है वो इजीली हैंडल कर देता है, मेरे को एडिटिंग और गेमिंग दोनों करनी होती है इसलिए भाई ये प्रोसेसर अपनी बजट में सबसे बेस्ट है। रैम भाई इसमें 8GB लगी हुई है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा देखूँ तो ये आप देख सकते हो फैंस, ये फैंस हैं, इन सभी के लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो मैंने 500 GB के सैमसंग के SSDs भी लगवाई हुई हैं, 2 TB के हार्ड डिस्क भी लगवाई हुई है और भी भाई पावर सप्लाई वगैरह 750 वोल्ट की यूज़ की हुई है। जो ग्राफिक्स कार्ड इसमें यूज़ किया हुआ है वो है NVIDIA का GTX 1650। भाई ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा छोटा है उसको अपग्रेड करना है इसमें अभी, और भी मैंने भाई AIO वगैरह भी लगवाने हैं, रैम भी इसकी इंक्रीज करानी है, अभी 16GB है टोटल, उससे भी ज़्यादा बढ़वानी, मतलब कि ये समझ के रखो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, अपग्रेड चलते रहते हैं, बट मेन जो भी ये काम भाई काफ़ी ज़्यादा कर देता है और अपग्रेड कराऊंगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया करवा देगा। सो गाइस बात कर लेते हैं हम अपनी कैबिनेट की जो कि है Li&Li की तरफ से आने वाली PCO11 डायनामिक एक्सल ROG सर्टिफाइड कैबिनेट। भाई जितना बड़ा इसका नाम है उतने मतलब उससे भी बड़े इसके काम है भाई, क्योंकि जितने भी आप PC बिल्ड देखोगे टॉप के उसमें आपको यही वाला कैबिनेट देखने को मिल जाता है। तो आप देख पाओगे भाई मतलब जिस टाइम पर मैंने खरीदा था उस टाइम पर तो भाई फिर भी मुझे थोड़ी सही प्राइस पर मिल गया था, अब 20,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा का मिलता है, बट भाई जो ये कैबिनेट है तो आप इसकी लुक देख सकते हो, ये जो स्ट्रिप होती है भाई ये वाली भी बहुत प्यारी लगती है। उसके अलावा अलग से आपको यहाँ पर दो भाई 3.0 के USB स्लॉट मिल जाते हैं, ऊपर स्लॉट मिल जाता है और भी भाई ढेर सारे स्लॉट मिल जाते हैं, मतलब कि पूछो ही मत, पूरा मतलब फुल RGB वाले जो फीलिंग होती है वो आपको इस कैबिनेट के थ्रू मिलती है। ग्लास पैनल्स आप देख ही रहे हो भाई कितने बढ़िया होते हैं, टफन ग्लास, और अभी मैंने कई चीज़ें इसमें मतलब ये जो पॉलिथीन वगैरह इसका नहीं उतारा है क्योंकि हमको अभी और भी कई चीज़ें अपग्रेड करनी है इसमें, तो मैंने सोचा कि उसके बाद ही इसके अंदर भी पॉलिथीन होता है बाहर भी, तो ये बाद में ही उतारूंगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतने था, ये वाला सेटअप टूर आपका बस यहीं तक का था, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटअप टूर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी भाई कुछ ऐसा ही सेटअप हो
तो बस मेहनत करते रहिए। मैं मतलब कि ये चीज़ बताते हुए काफ़ी इमोशनल हूँ कि पहले मैं भी देखा करता था भाई कि हाँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह होते थे उनके भाई बढ़िया बढ़िया सेटअप होते थे, गेमिंग बढ़िया पीसीज होते थे, गेमिंग बढ़िया टेबल्स होते थे। तो मैं भी दिखाया करता था अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को कि कभी मेरा भी ऐसा होगा। और आज मैं देखता हूँ भाई जो जितने भी मैंने पहले देखे थे उनसे भी ज़्यादा बढ़िया मेरा आज का है। तो आज आप मेरा सेटअप देख रहे हो सकता है आपका इससे भी बढ़िया हो। बस मेहनत करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई आने वाली वीडियोस में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि किस तरह आप भी अपने YouTube चैनल को जल्दी से ग्रो कर सकते हो या अपने गेमिंग चैनल को कितनी मतलब कि जल्दी से आप ग्रो कर पाओगे उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।